काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, काश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था, काश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, काश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, काश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, फूलों की घाटी। सल्यूट करता हूँ आप। काश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तनहाई में, वो अग्नि गंधा मौसम मल बेला था, गंधों के घर बंदूकों का मेला था, मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के 29 साल मैंने 1990 में कविता लिखी थी। और आदरणीय कठेरिया जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस कविता को मैंने 1990 में जब सबसे पहली बार लिखा तो मेरे पहले श्रोता थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी, दोनों बैठ के रोए थे। वाजपेयी साहब एक बार लाल किले में आए थे और मैं कश्मीर पढ़ रहा था, मैंने उनसे कहा आप देश के प्रधानमंत्री बन गए और कश्मीर की हालत फिर भी नहीं सुधरी, तो इससे भी सख्त कविता सुनने को तैयार रहना। फिर मुझे पता चला वो 6 साल इसीलिए उदास रहते थे क्योंकि उनके समय में तो हुआ नहीं था जो अब हुआ। मन से सुनिए, मैं अपना मन पूरा इस कविता के साथ आपसे जोड़ना चाहता हूँ। इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था, जब जब भी छू कर देखा हिम चोटी में अंगारा था, काश्मीर था जहाँ तमंचे थे केसर की क्यारी में, काश्मीर था जहाँ तमंचे थे केसर की क्यारी में, काश्मीर था जहाँ रुदन था बच्चों की किलकारी में, काश्मीर था जहाँ तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, 47 के बंटवारे के घाव उघाड़े जाते थे, काश्मीर था जहाँ हौसलों के दिल तोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, अपहरणों की रोज कहानी होती थी, धरती मैया पानी पानी होती थी, झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। काश्मीर था जहाँ गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों का पानी रक्तिम था झीलों में अंगारे थे, काश्मीर था जहाँ फिजाएं घायल दिखती रहती थी, गर्म हवाएं घाटी का राशि फल लिखती रहती थी, काश्मीर था जहाँ दरिंदों की मनमानी चलती थी, घर घर में 156 की दर्द कहानी चलती थी, काश्मीर था जहाँ हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, समर्थन करना जी भर के करना, काश्मीर था जहाँ हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, काश्मीर था जहाँ देश का सिर झुकाया जाता था, काश्मीर था जहाँ देश का मान गिराया जाता था, मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंह, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, लूले लंगड़े संकल्पों का भाषण था, फूलों की घाटी लाशों की मंडी थी, फूलों की घाटी लाशों की मंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, मैं इस कोढ़ी कायरता की लाश उठाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर। 89 में 4.5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से मारपीट कर निकाले गए, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, संपत्ति छीनी गई, घरों में आग लगाए गए। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, क्या दुनिया के इतिहास में इससे बड़ी कोई मॉब लिंचिंग हुई है क्या? आज किसी की गलती से एक हत्या पर देश में शोर मचा देते हैं, ये मॉब लिंचिंग है? होनी नहीं चाहिए, मैं समर्थन नहीं करता उसका, लेकिन 4.5 लाख लोगों का घर से बाहर निकाल देना अगर मॉब लिंचिंग नहीं थी तो हिंदुस्तान में कोई मॉब लिंचिंग होती नहीं। हमको दो आंसू नहीं आते थे, मेरा साथ देना, मैं इतिहास खोल रहा हूं।
हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर, राजमहल को शर्म नहीं थी घायल होती था ती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर, मन करता था फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर। भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर, भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर, वे घाटी से खेल रहे थे गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पर, कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे थे वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता था दरबारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। एक नाम लेता हूं कविता में, उसका नाम सुनकर आपके दिल में आदर की प्यार की सम्मान की हिलोर उठे तो उस हिलोर को तालियों में बदल देना। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की, घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की, मैं घाटी के आंसू का संतरास मिटाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता। एक छंद पढ़ रहा हूं साहब, भारत माँ को इस समय सोने दो, बड़ी मुश्किलों से इस बहादुर सरकार की कोशिशों के बाद भारत माँ सुकून से सोने की हालत में आ गई। बहुत बढ़िया। मैं एक छंद पढ़ रहा हूं, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते थे, जब कृष भारत के नारे थे गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता था बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुद्दारी की, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुद्दारी की, 56 इंच सीने में ही आशा थी दमदारी की, 56 इंच सीने, 56 इंच सीने से ही आशा थी दम, 56 इंच सीने से ही आशा थी दमदारी की, संविधान को बदल दिया है घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। प्रणाम करता हूं आपको साहब, क्या बात है। इसीलिए आवश्यकता थी हिम्मत की खुद्दारी की, 56 इंच सीने से ही आशा थी दमदारी की, संविधान को बदल दिया है घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जिनको भारत की धरती न भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने मकान चल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की।